नमस्कार सभी भक्तों को, हरे कृष्णा। आज मैं बहुत सुंदर विषय जो है लेकर आया हूं। हनुमान चालीसा या अन्य किसी भी चालीसा का हम लोग जो पाठ करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? हम हनुमान चालीसा या चालीसा का पाठ करना जानते ही नहीं है। हमें ये ही नहीं पता इस चालीसा का पाठ, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे वो शनि चालीसा हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, कोई भी चालीसा क्यों ना हो, उसका हम पाठ करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको हनुमान चालीसा या अन्य किसी चालीसा का पाठ करने से कैसे लाभ मिल सकता है। यदि आप हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की चालीसा, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा? सर्वप्रथम एक तांबे के लोटे में जल लें, उसे जल का भरें और जिस किसी भी देवी देवता की आप चालीसा का पाठ कर रहे हो उसकी प्रतिमा आपके सामने होनी चाहिए। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हनुमान जी है नहीं और हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपने कभी गुड़ नहीं खाया और आपको कहता रहूं मैं गुड़ गुड़ गुड़, तो उसका स्वाद का अनुभव आपको नहीं होगा। इसलिए आप हनुमान चालीसा का जब भी कभी पाठ करें तो हनुमान जी की प्रतिमा आपके सामने होनी चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा जब आपके सामने होगी तब उस समय पर इस पाठ को करें। उस समय पर एक तांबे के लोटे में जल भरें। तांबे के लोटे में जल रखने के बाद में आपको एक दीपक लगाना है, चाहे वो घी का लगाएं, चाहे वो तिल के तेल का लगाएं। और अगर घी का भी दीपक लगाएं तो घी के दीपक में भी गाय का ही घी हो, अन्यथा भैंस इत्यादि के घी का दीपक भी नहीं लगाना है। आपका व्यवत नहीं है शुद्ध और एकदम प्योर जो है घी का दीपक लगाने का, तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। अन्यथा आजकल मार्केट में 100-100 रुपए किलो के हिसाब से जो ये घी मिल रहा है, इससे ना तो कभी परमात्मा प्रसन्न होगा ना ही आपकी ज्योत स्वीकार करेगा। आज आपको यही निर्धारित करना है कि आप बाजार से जो घी लेकर आते हो, पूजा वाले घी के नाम से जो प्रसिद्ध हो रखे हैं आज के समय घी, हम भगवान के लिए ही बेईमानी कर रहे हैं। हम 100 रुपए में 1-1 किलो घी लेकर आ जाते हैं। अरे 100 रुपए में तो डालडा तक आज सरसों का तेल नहीं आ रहा 1 किलो, और 100 रुपए में घी लेकर आ रहे हो आप। तो आप जो भी कोई जोत लगाए वो है जोत या तो गाय के घी की हो और या फिर सरसों के तेल की हो। उसके बाद में वो 2 लौंग लेनी है आपको, और 2 लौंग लेने के बाद में हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। हनुमान जी के चरणों में जब आप 2 लौंगों को रख देंगे उसके बाद 7 बार या 11 बार पाठ करना है, और जब वो लौंग रखो तो अपनी मनोकामना बोलकर रखनी है। अपनी मनोकामना बोल के जब उन 2 लौंगों को रख देंगे, 2 लौंगों को रखने के बाद में 11 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिस किसी भी कामना से आप यह उपाय करोगे 15 दिन या 21 दिन लगातार आप इन चीजों को करना, आपकी वह मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। इस तरह का चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलेगा। अब आप सोचोगे जो जल का लोटा रखा है उसका हम क्या करें, उस जल को स्वयं को पीना है। जो 2 लौंग है आपने कहीं जाने का या कोई काम से रिलेटिव का जो है आपने कोई विचार बनाया है तो उन 2 लौंगों को वहां से उठाएं, अपनी पॉकेट में रखें और अपने साथ लेकर जाएं। और जो दीपक आपने लगाया था उस दीपक की जो राख हो जाती है जिसको भभूति बोलते हैं, उसका हल्का सा टीका आपको अपने मस्तक पर लगाना है। इसी तरह 15 दिन लगातार आप ये कार्य करते हैं तो आपके हर कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे और आपको लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा।